चार तरीके की होती हैं, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स जाएंगे मैं उनके बारे में बताऊंगी। हमारे पास तीन रेंजेस हैं, स्किन केयर की तीन रेंजेस हैं, एश्योर, एश्योर नेचुरल्स और स्किन फॉर्मूला 9। तो इन तीनों के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, CTTMP, और इसमें एक एक्सप्लोटिंग, अगर आप फेशियल्स लेते हैं या नहीं भी लेते तो कई बार हफ्ते में 2 बार अगर आप खुद से भी एक्सप्लोटिंग यानी स्क्रबिंग करते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट्स आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले होता है एश्योर। फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग एंड टोनिंग। तो क्लींजर एंड टोनर हमारे पास बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको अलग से टोनर भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ क्लींजर और टोनर लगाएं, और अगर आप सिर्फ एश्योर में ही जाना चाहते हैं तो इसका एक मॉइस्चराइजर भी आपको मिलता है। और ये सोचने की जरूरत नहीं है आपको कि गर्मियां हैं तो हम मॉइस्चराइजर करें या ना करें। उसकी क्वांटिटी में आप चेंजेस कर सकते हैं, कम या ज्यादा। गर्मियों में भी आपको मॉइस्चराइज जरूर करना है अपनी स्किन को। और अगर ड्राई स्किन है तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको मॉइस्चराइज करना, क्योंकि जैसे कि एंड सबसे जो हमारा मेन पर्पस होता है, एक लुक किसी को दिखाना, जब हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो हमारी लुक अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे कि कोई ड्राइंग करता है किसी कैनवस के ऊपर, अगर वो साफ सुथरा स्मूथ होगा तभी उसके ऊपर ड्राइंग भी अच्छी दिखेगी ना। अगर वो बेकार या खड़बड़ ऊपर नीचे कुछ कैनवस अच्छा नहीं होगा तो उस पर ड्राइंग भी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमारा फेस भी कैनवस की तरह, अगर आप उसके ऊपर लीपा पोती कुछ भी कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, तो जहां पोर्स ओपन है वहां तो वो आपका मेकअप अंदर चला जाएगा, और जहां पे पोर्स अभी खुले नहीं है वहां जमा हुआ रह जाएगा। तो आपको जब भी आप कहीं मेकअप करके जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं मेकअप दिख रहा है और कहीं कहीं से हट गया। तो इसका कारण यही है कि हम डेली केयर जो है अपनी स्किन की डेली नहीं कर पाते हैं केयर। अगर हम डेली केयर करेंगे तो वो ऐसा इम्प्रूवमेंट होगी, उसमें आपका जो मेकअप होगा वो स्मूथ होगा, धीरे धीरे करके फर्क पड़ जाएगा। और उसके बाद क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर के बाद हमारे पास ऑयली, जो ये नॉर्मल ड्राई किसी भी स्किन पे आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, तीन चीजें हो गई। और उसके बाद SPF की, ये दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। जो ड्राई स्किन है उस पे थोड़ा सा SPF हमें कम चाहिए होता है, इसीलिए ये 30+ SPF है। और जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए SPF 40+, और ये नॉर्मल पे आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एश्योर नेचुरल्स में एक्सप्लोटिंग का बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। पहले एश्योर में भी होता था, बट जब से एश्योर की फेशियल किट लॉन्च हुई है तो वो प्रोडक्ट सब जो है वो स्टॉप हो चुके हैं, डिसकंटिन्यू कर दिया गया उन प्रोडक्ट्स को। तो अब हमारे पास ये एश्योर नेचुरल्स का स्क्रब है जो कि पपाया सीड से बना हुआ है, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसका। और अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको वीक में 2 टाइम्स अप्लाई जरूर कीजिए। 5 मिनट के लिए ही बस एक्सप्लोटिंग करनी है, स्क्रबिंग करनी है, ज्यादा नहीं करनी। तो इसका अगर आप रिजल्ट करते तो आपके जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो आपके सारे स्किन में से रिमूव होते चले जाएंगे धीरे धीरे, और आपकी स्किन में ग्लो, इंटरनली ग्लो आने लग जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑयली स्किन की, तो जो भी हमारी विटामिन सी की कैटेगरी है, सबसे पहले हमारा विटामिन सी का ये है, फेस वॉश की तरह ही काम करता है ये। उसके बाद ये मॉइस्चराइजर, और देन ये ट्रीटमेंट के लिए आपका सीरम आ जाता है। ये विटामिन सी का स्किन फॉर्मूला 9 का सीरम है। तो ये तीन प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही अच्छे जाते हैं ऑयली स्किन के ऊपर। और आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं और मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपका SPF 40+ जाएगा ऑयली स्किन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
स्किन फॉर्मूला 9 में क्या क्या रेंजेस है हमारे पास? तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा क्लींजर, डीप क्लींजिंग ऑयल, जो कि ड्राई स्किन, वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन टाइप को आप दे सकते हो, ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। 1 to 2 पंप आपको लेने हैं बस, बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करना, ये बहुत ही थिक प्रोडक्ट है इसीलिए इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करके इसको अप्लाई करना होता है, और 1 मिनट की मसाज इसकी ज़रूर करनी है। और अगर आपके फेस पे कहीं भी डार्कनेस है, जैसे कि हम सन रेज में बहुत ज़्यादा जाते हैं, यूवी रेज से हमारी स्किन हार्म हो जाती है, स्पेशली फोरहेड वगैरह पे, ये हमारी जो जगह होती है उठी हुई होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है, तो अगर आप इसकी मसाज अच्छे से करेंगे इस पे, तो आपकी टैनिंग भी रिमूव होगी। इस पे डीप क्लींजिंग ऑयल है, प्लस आपका फिर इसके बाद आ जाता है टोनर, फेस मिस्ट। उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोडक्ट में हमारे पास है यूथ एलेक्सर और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। तो ये दोनों ही जो है सीरम बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें एक ये आपका ऑयली सॉरी ड्राई स्किन के लिए यूथ एलेक्सर है, और नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है। इसके बाद हमारा जो मॉइस्चराइजर में आता है इसका इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, और उसके बाद आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ऑयली या ड्राई के हिसाब से आप SPF इन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक ऑयली स्किन के लिए ये बहुत ही प्यारा क्लीन फेस वॉश है, जिसको हम क्लींजिंग वाले स्टेप में यूज करते हैं। वैसे ये ऑल स्किन टाइप है, नॉर्मल स्किन वाले भी या ड्राई स्किन वाले भी कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है इसका, बट ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए बनाया हुआ है, तो ये ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को ही चलता है, और ड्राई स्किन वालों के लिए क्लींजर एंड टोनर, ये ड्राइनेस के लिए और ये ऑयली के लिए, और ऑयली स्किन की पूरी रेंज ये आती है। अब ये तो हम इतनी देर से जितनी भी बातें कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट जो हमारा बिजनेस भी है फीमेल पे डिपेंड करता है, फीमेल के ऊपर हम ज़्यादा वर्क करते हैं, बट कहीं ना कहीं मेल्स को ये लगता है कि भाई हम क्या यूज़ करें, तो ये सारे प्रोडक्ट्स मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और उनके लिए भी स्पेशल कंपनी ने एक ट्रूमैन की रेंज बनाई है, और उसका भी ये फेस वॉश है जिसका रिजल्ट बहुत ही बहुत अमेजिंग है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, बहुत ही, मैं अपने बेटे को यही यूज करवाती हूँ, वो करता है ये डेली, तो बहुत ही अच्छी स्किन में इससे भी काफी अच्छा ग्लो आ जाता है। बाकी हम जो ऊपर से ट्रीटमेंट या मॉइस्चराइजिंग कुछ भी प्रोटेक्शन करते हैं तो वो हम बाकी के प्रोडक्ट से कर सकते हैं, बट क्लींजिंग, क्योंकि उनकी स्किन और फीमेल और मेल की स्किन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए उनकी जो क्लींजिंग के लिए ये स्टेप दिया हुआ है कि आप उनको फेस वॉश अलग से ट्रूमैन का दे सकते हैं, और ट्रूमैन का सोप भी आता है, वो भी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है उसका, बॉडी केयर के लिए उसको यूज कर सकते हैं।